हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर ओम। पिछले 4G बूस्टर एंटीना वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप वाईफाई एंटीना बनाइए, तो आज हम लोग एक पावरफुल वाईफाई एंटीना बनाएंगे और साथ ही साथ हम लोग इसका दूरी भी टेस्ट करेंगे कि यह कितना दूर तक काम कर जा रहा है। वाईफाई एंटीना 4G एंटीना के तरह ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा क्योंकि 4G एंटीना 2300 से 2400 मेगा हर्ट्ज पर काम करता है और वाईफाई एंटीना 2445 मेगा हर्ट पर काम करता है। तो हम लोग जो एंटीना बनाएंगे इस डायग्राम के अनुसार बनाएंगे, तो मैं इसी डायग्राम के अनुसार सर्कल काट करके और इसमें होल करके और बोल्ट में फिक्स कर दिया हूँ 4G एंटीना के तरह ही, लेकिन इसमें छोटा वाला सर्कल का संख्या मैं ज्यादा बढ़ा दिया हूँ। इसमें 4 छोटा सर्कल भी रखा जा सकता है और इसमें सिर्फ एक ही वायर का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसका दूरी टेस्ट करते हैं कितना दूर तक यह एंटीना काम कर सकता है। वाईफाई एंटीना को हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर में भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वह तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसके लिए वाईफाई एडेप्टर का यूज कर रहा हूँ जिससे हम लोग वाईफाई एंटीना को डायरेक्टली इसमें फिक्स कर सकते हैं। वाईफाई का रेंज बढ़ाने के लिए सबसे पहला तरीका है कि हम लोग अपने हॉटस्पॉट्स को ऊंचा स्थान पर रखें, जिससे हमारा वाईफाई का रेंज बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली बिना एंटीना के भी। और साथ ही साथ पेड़ पौधा, बिल्डिंग्स, ये सब भी वाईफाई के सिग्नल को रोकते हैं, तो हम लोग इसको चेक करने के लिए नहर का यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके बीच में सिर्फ पानी ही पानी है, कोई पेड़ पौधा नहीं है। इस पुल पर हम लोग 2 हॉटस्पॉट्स, एक एयरटेल का और एक जियो का हॉटस्पॉट्स बांस के सहारे लगा दे रहे हैं इस पुल पर, और इसके सामने वाले पुल जो लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हम लोग एंटीना लगा करके और वाईफाई देखेंगे वाईफाई का सिग्नल मिल जा रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अगले पुल पर और फिर देखते हैं काम कर रहा है या नहीं या वाईफाई। फ्रेंड्स, बारिश तो बहुत ही तेज में आने वाला है, हम लोगों को बहुत ही जल्द एक्सपेरिमेंट करना होगा, नहीं तो वहाँ पर एक वाईफाई है जो भीग सकता है पानी से, और यहाँ पर तो हम लोगों को लैपटॉप ओपन करना है तो यह भी भीगने का डर है। तो चलिए देखते हैं बारिश आ रहा है या नहीं। वायर को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। हम लोग के सामने वाईफाई हॉटस्पॉट लगा है, इसलिए मैं इस एंटीना को इसके सामने रखूंगा, इसको मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। अभी कंप्यूटर के वाईफाई में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है और इस एडेप्टर के भी वाईफाई में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, तो मैं इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ और फिर देखते हैं कोई सिग्नल आ रहा है या नहीं। यस, एयरटेल का सिग्नल यहाँ तक आ जा रहा है, इतना दूर तक एयरटेल का हॉटस्पॉट। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं कनेक्ट हो जा रहा है या नहीं। सिग्नल बहुत ही वीक है और यह कनेक्टेड हो गया। जियो फाई का नेटवर्क यहाँ तक नहीं आ रहा है, लेकिन एयरटेल का नेटवर्क यहाँ तक आ गया है, तो मैं एडमिन पैनल खोल ले रहा हूँ। एयरटेल का नेटवर्क तो यहाँ पे पकड़ ले रहा है, अभी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोकने वाले हैं क्योंकि बारिश आ गया है, लैपटॉप भी भीग जा रहा है, और वहाँ पर हम लोग को जाके अभी हॉटस्पॉट को भी बचाना है क्योंकि वहाँ पे वो भीग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं इस पुल के पास और बारिश हो रहा है, चलिए देखते हैं या हमारा वाईफाई सेफ है या कि नहीं, वाईफाई हॉटस्पॉट सेफ है या नहीं। ठीक है, चलिए घर पर देखते हैं या सेफ है या नहीं। बारिश होना समाप्त हो चुका है और दोनों ही वाईफाई हॉटस्पॉट सेफ है, तो चलिए शहर में चलते हैं और फिर देखते हैं इस एंटीना के मदद से हम लोग फ्री वाईफाई कैच कर पा रहे हैं या नहीं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी शहर में हैं और अभी सुबह का टाइम है, तो इस समय बहुत कम वाईफाई हॉटस्पॉट्स खुला रहता है, तो चलिए देखते हैं इस समय यह कितना वाईफाई को कैच कर ले रहा है इस एंटीना से। मैं इसमें लगा दे रहा हूँ इस डायरेक्शन में, अब मैं वाईफाई को ऑन कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कितना वाईफाई को कैच कर ले रहा है। यस, देख सकते हैं इतना सारा वाईफाई कैच कर लिया है। वो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह वाईफाई को कैच कर लिया है। वो तेरह तेरह वाईफाई को कैच कर लिया है। इसमें से एक वाईफाई ओपन है, तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। यस, कनेक्टेड हो गया है। फ्री वाईफाई, फ्री वाईफाई ये। और मैं इसमें से कुछ चला के देख रहा हूँ चल जा रहा है या नहीं। और देख सकते हैं गूगल खुल चुका है। तो मैं इसमें सबसे पहले, चलिए यूट्यूब खोलते हैं। ओ भग, डिस्कनेक्ट हो गया है। जो कनेक्ट हुआ था वाईफाई उसका सिग्नल कम हो चुका है, शायद लगता है कि डायरेक्शन चेंज होने के कारण, तो मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए हम लोगों को ट्राईपॉड पर फिक्स करना पड़ेगा जिससे हमारा सिग्नल लॉस नहीं हो। और देख सकते हैं इतना सारा वाईफाई खींच लिया है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने यहाँ पर इतना सारा वाईफाई पकड़ ले रहा है, जबकि एक डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वाईफाई खींचेगा। फ्रेंड्स, हम लोग शहर में एक ऐसे जगह पर आ चुके हैं जहां पर कोई वाईफाई नहीं है, लेकिन पास में रेलवे स्टेशन है। तो चलिए देखते हैं रेलवे स्टेशन का वाईफाई और दूसरा कोई वाईफाई कैच कर ले रहा है या नहीं। तो चलिए इस एंटीना को देख सकते हैं, ये रहा एंटीना, इसे पकड़िए थोड़ा। इस एंटीना को यहाँ पर लगा दिया गया है। अभी वाईफाई का एडेप्टर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। और मैं जैसे ही इस एडेप्टर को लगा दे रहा हूँ, एक आ गया अभी देख सकते हैं, लेकिन इसका सिग्नल बहुत ही कम है। तो मैं अब इस एडेप्टर को लगा दे रहा हूँ और फिर देखते हैं। और देख सकते हैं एक जो वाईफाई आया था उसका सिग्नल बढ़ चुका है। अभी मैं फिर से इसको डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं रेल वायर को खींच लिया है यह वाईफाई, और जो कंप्यूटर का वाईफाई है वह बिल्कुल भी एक खींचा है वाईफाई को, और इसमें भी बहुत लो सिग्नल है। इस वाईफाई एडेप्टर से देख सकते हैं दो खींच लिया, एक रेल वायर और एक कोई प्रिंटर का है शायद, उसका भी वाईफाई। अब हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं दूसरा कोई वाईफाई पकड़ ले रहा है कि नहीं इस डायरेक्शन में। यस, देख सकते हैं एक और अलग दूसरा वाईफाई पकड़ लिया इस डायरेक्शन में ऑफिस के नाम से, और फिर प्रिंटर वाला भी पकड़ लिया है और इस डायरेक्शन में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।